तो नमस्कार साथियों, आज चलते हैं हम पूरी ब्लैक बोल्ट की समीक्षा BBM 90 की पूर्ण समीक्षा की ओर। आज की फसल जो हम ब्लैक बोल्ट के खेत में खड़े हैं वो 87 दिन का क्रॉप हो चुकी है। अभी हम मेड़ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोल्ट की शुरुआती जो मेड़ है यहाँ पे है। अब हम चलेंगे खेत के बीचों बीच और वहां से इसका करेंगे पोस्टमार्टम। आप सभी के बीच में चेक वैरायटी 95-60 की पूरा विकल्प आपके सामने है, तो आइए मेरे साथ खेत के बीचों बीच चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं खेत के बीचों बीच, आप देख सकते हैं इसकी सभी दिशाओं में। ये 8 एकड़ का प्लॉट है, हम बीचों बीच में भी खड़े हैं और 87 दिन की फसल है जैसा आप सभी को मैंने बताया था। अब इसके फाल को आप देखिए और जिस तरह से ये पकी है आप उसको देखिए। ये 87 दिन की अवस्था में ये फाल है इसका, ये देखिए। और जो फलियां सूख रही है, ये 4 दानों की फलियां भी इसमें है, ये 3 दानों की फलियां इसमें है, ये 4 की भी है। और जो ये अभी फसल इसकी जो सूखी है आप इसका दाना भी देख सकते हैं। 87 दिन के अंतराल में अभी सतत धूप जो है वो लग नहीं रही है, इसके कारण सतत बारिश के कारण ये एक तरह से अभी हुई नहीं है पूरी, लेकिन 87 डेज की स्थिति में भी इतनी मैच्योरिटी पर है, इसको कह सकते हैं हम कि 95-60 का ये विकल्प है। 61-24 और 1025 या अन्य वेराइटीज जो कि हम पारंपरिक रूप से लगाते आ रहे हैं उनके लिए एक ये बहुत अच्छा विकल्प है। आप देख सकते हैं पूरे खेत में एक समान जो पूरा खेत आया है, ये देख सकते हैं आप इसके दाने को, जो कि जर्मिनेशन इसका आप मान लीजिए कि 90%+ है इस खेत में। जो ये 8 एकड़ का प्लॉट मैंने आपको बताया है, इसमें जैसे ही बोनी हुई थी उसके बाद बेतहाशा पानी गिरा था, आप सभी को संज्ञान में हो तो 27 तारीख को, उस बीच में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से खड़ी है। और इसका जो सीड रेट है वह 30 किलो एकड़ है। उसके बाद में आप पूरे खेत को देख सकते हैं, समांतर फलियां हैं सभी जगह, आप जहां भी देखेंगे। अब हमारे कहीं किसान भाइयों को एक भ्रांति है कि ब्लैक बोल्ट की जो हाइट है वो कहीं हद तक कम है। अब आपको 30 किलो एकर और 20 किलो बीघा का जो सीड रेट है उसमें आप देखेंगे कि इतनी डिस्टेंस होने के बाद भी, ये देखिए अप्रॉक्स डिस्टेंस, ये यहाँ पर 4 इंची का है फिर प्लांट है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है उसके बाद भी इसकी जो हाइट है ये घुटनों तक, मेरे घुटनों तक आ रही है। ये हार्वेस्टर से बिल्कुल हार्वेस्ट हो सकता है, साथ ही इसमें मजदूर से भी मैनुअल हो सकता है और हार्वेस्टर से आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। साथ में फाल आप देखिए, फसल एक समान पकी हुई है, ऐसी अभी तक की जो वैरायटियां कहीं आई है, लेकिन जो गुच्छों में फलियां की विशेषता ब्लैक बोल्ड में है वो कई वैरायटियों में नहीं है। और एक और मुख्य समस्या जो सभी भाइयों के बीच में रहती है शटरिंग की, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ब्लैक बोल्ट जो वैरायटी है उसकी जो स्किन है वो व्हाइट ऑर्डर में है, जो इसकी चिकनी फली है और सफेद फली है जो कि शटरिंग होने नहीं देती। आपके सामने मैं एक फली को तोड़ना चाहता हूँ, ये देखिए इसका जो शेल है वो बहुत हार्ड है, इतनी भी बारिश हो जाए इसकी जो रीजर्मिनेशन है या इसकी फली सड़ने की अवस्था है वो बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद सबसे मुख्य समस्या जो हमारे कई किसान भाइयों के बीच में हो रही है वो है इसमें वायरस की, येलो मोज़ेक वायरस और सोयाबीन मोज़ेक वायरस, ये दो कैंसर सोयाबीन में पनप रहे हैं। लेकिन उसका बेतोड़ जवाब देने वाली ये वैरायटी आप सभी के सामने है, इसमें कोई भी येलो मोज़ेक का अभी तक कोई सिम्टम्स देखा नहीं गया है। पिछले 2 सालों से किसानों के बीच में ये है और इस बार लगता है कि ये कई किसानों के पास में जाने वाली है, खेती का नया वरदान, खेती का नया एक आयाम स्थापित करने वाली ये वैरायटी ब्लैक बोल्ट आपके सामने है। धन्यवाद।